जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एलपी एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स में जो हमारा एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा हुआ सारे क्वेश्चन यहां पे देखेंगे। क्वेश्चन हमारा बायलिंगुअल होगा, सारे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन रिपीट हो गया है उसको इस क्वेश्चन को हम शामिल नहीं करेंगे। इससे पहले हमने अलजेब्रा का सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, नहीं देखे तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ सब देख लीजिएगा। फिर मेंस्युरेशन है ना, मेंस्युरेशन का क्वेश्चन भी हमने अपलोड कर दिया, नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक मिलेगा आपके स्पेशली एग्ज़ाम के ही के लिए, आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जिसे देखिए क्या है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है तो आरंभ में किया गया निवेश कितना होगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है कि SI बराबर एक फॉर्मूला होता है आपको, ये क्या होता है आपको PRT बटे कितना होता है आपको 100 होता है ना, PRT बटे 100 होता है, इसी को हम यूज करेंगे। ये होता हमारा साधारण ब्याज, ये क्या है हमारा साधारण ब्याज होगा, ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज होगा और P हमारा क्या होगा मूलधन होगा, P हमारा मूलधन होगा, इसी को यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। R तो पता ही होगा आपको रेट होता है और T से क्या होता है आपको टाइम मतलब समय होता है, एक और होता है अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो अमाउंट का जो योग होता है वो क्या होता है मूलधन और ब्याज का जो योग होगा वही हमारा अमाउंट होगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं मिश्र धन, ये हमारा क्या होगा मिश्र धन होगा ना। तो अंत में जो लौटाई गई राशि होती है, अंत में लौटाई गई राशि, ठीक ना, अंत में लौटाई गई राशि हो गया, इसको एक देय राशि भी बोला जाता है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपको इसी पे पूछा गया है। अंत में लौटाई गई राशि देय राशि या कोई धनराशि हो जाता है वो हमारा क्या कहता है अमाउंट कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा वो अमाउंट कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है अमाउंट कहलाता है। तो अब यहाँ से ये हो गया आपको। अब यहाँ से देखिए, यदि आप क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे तो क्वेश्चन कहता है कि 9.5% कोई धनराशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाता है। एक पॉइंट और नोट आउट कर लीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है ना वो बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा आपको बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष का क्या होता है बराबर होता है, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन, तो हमारा जो रेट है वो कितना आपको 9.5% है ना, तो प्रत्येक वर्ष उसको कितना ब्याज देना है 9.5% का देना है, कितना साल तक देना है 6 साल तक देना है, तो 6 साल तक देना है। यदि इस दोनों को यदि हम गुना कर देते हैं तो टोटल रेट हमका यहाँ से निकल जाएगा, टोटल रेट मतलब टोटल रेट का जो हमको ब्याज देना था वो टोटल रेट यहाँ से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको 6×5=30 हो गया, 9×6=54, 3 कितना हो गया 57 हो गया। तो 57% आपको ब्याज देना है, टोटल ब्याज कितना देना है आपको 57% देना है, कितना साल में 6 साल में देना है, क्योंकि 1 साल में 9.5% हो गया तो 6 साल में कितना बन गया 57% बन गया। यदि हम पी को 100 मान लाते हैं, पी को यदि हम 100% मानते हैं और ब्याज यहाँ पे हमारा कितना परसेंट हो गया आपको 57% ब्याज हो गया, तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 157% हो जाएगा। तो आप देखिए कि 157% यदि ये होगा तो यहाँ से मिश्र धन आपको कितना दिया हुआ 942 रुपये दिया हुआ है, तो कोई धनराशि हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है मिश्र धन होता है, तो ये कितना होगा आपको 942 रुपये हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको 942 बटे कितना हो गया आपको 157 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको 942 बटे कितना हो गया 157 इंटू कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब इसको काटते हैं, ये हो गया 7×42 5×15=90, काट सकते हैं 6 बार में 600 रुपये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काटे कैसे, तो ये भी आपको हो सकता है माइंड में कि डायरेक्ट कैसे काट दिए, तो डायरेक्ट कैसे काटे वो यहाँ से ध्यान देखिएगा, 942 बटे कितना आपको 157 है, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट होगा, तो अब देखिए 15 का पहाड़ा पढ़िए कि ये दोनों के आसपास कितना बारे में आता है, 15×6=90 बारे में आता है और 7 को 6 से गुना करते हैं 42 आ रहा है, इकाई अंक आ रहा है, इसका मतलब ये 6 बार में 100% कट जाएगा। तो इसी प्रकार से आप आगे भी काट सकते हैं, ठीक ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1600 रुपये की धनराशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो SI बराबर बस पुट कर लेना PRT बटे कितना होता है आपको 100 होता है ना, तो P का मान यहाँ पे कितना हो गया आपको 1600 रुपया हो गया और 6 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज हो गया। तो चलिए इसको काट लेते हैं, आराम से कट जाएगा ये आपके 0 0 काट दीजिए,
कितना हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया, यहाँ पे 16 × 30 कितना हो गया, 16 × 3 = 48, 480 रुपया हो गया, ऑप्शन में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि दो जो दो का फैमिली है, पाँच का फैमिली है, उसको पहले टारगेट करिए गुना करने में, ताकि आपको आसानी हो गुना करने में, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 रुपये अधिक मिलता। तो अधिक मिलने का कारण क्या है कि दोनों का जो ब्याज दिया गया 4 साल 5 साल के लिए, दोनों का ब्याज का अंतर कितना होगा, 375 रुपया होगा, चूँकि तब ना अधिक और कम होगा। SI1 SI2 का जो अंतर होगा कितना होगा, वो 375 होगा। तो 5 वर्ष है तो 5 वर्ष का ब्याज ज़्यादा होगा, 4 वर्ष का कम होगा। तो 5 वर्ष का पहले निकाल लेते हैं, पी मान लेते हैं, मूलधन जो पी ही मान लेते हैं 5 साल के लिए है, और इसका जो रेट है वो 7.5% ही है दोनों जगह, ठीक है, बटे 100 माइनस पी इंटू 4 इंटू 7.5 बटे कितना हो गया, वो 100 बराबर कितना हो गया, 375 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो पी इंटू 7.5 आप बटे 100 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये अंदर में क्या बचेगा, 5 - 4 इंटू कितना हो गया, 375 बचेगा। ये तो एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव उड़ा देंगे नीचे कितना होगा, 1000 हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये कितना होगा, 5 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो 5 पी बाबा कितना हो गया, 5 इधर 1000, तो 5000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि 8% वार्षिक सराहनीय ब्याज चर निवेशित की धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपये हो जाता है, निवेशित की गई धनराशि कितनी होगी, 732 रुपये हो जाता है। तो हो जाता का मतलब क्या हो गया, ये अमाउंट है, मिश्र धन है, तो आपको रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ, 8% दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 9 महीना। तो 2 वर्ष 9 महीना का मतलब हो गया 2 वर्ष 9 / 12 करेंगे वर्ष हो जाएगा, ये कितना हो गया, 3 × 9 ये हो गया, 4 × 3 = 12, तो ये कितना हो गया, 4 × 2 = 8 / 3 = 11 कितना हो गया, 4 साल हो गया। अब टोटल रेट यदि हम निकालेंगे यहाँ से कितना हो गया, 8 × 11 / 4 ये हो गया, 4 × 2 = 8 22% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22%। तो पी यदि आपका 100% है और रेट यहाँ से कितना होगा, आपको टोटल रेट 22% हो गया, ठीक है, ये ब्याज वाला रेट है, तो टोटल जो अमाउंट का अमाउंट होगा वो कितना होगा, 122% होगा। तो 122% बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पे कितना दिया हुआ, 732 दिया हुआ है ना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको, 732 बटे कितना हो गया, 122 हो गया, और यहाँ से 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको, 732 बटे कितना हो गया, 122 गुना कितना हो गया आपको, 100 हो गया। अब इसको काट लेते हैं, ये हो गया 6 × 72 = 6 × 12, 6 बार में भी कट जाएगा, कितना हो गया आपको, 600 हो गया आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 600 होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, कहता कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.1/2 वर्ष में 834 रुपये हो जाती है। तो वही क्वेश्चन आपका, तो रेट यहाँ से कितना आपको, 6% है, और टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ, 6.2 × 2 = 12 × 1 = 13 कितना हो गया आपको, 2 वर्ष हो गया। तो टोटल रेट जो होगा यहाँ से कितना होगा आपको, 6 × 13 / 2 ये हो गया, 2 × 3 = 6 × 13 = 39% हो गया। तो पी यदि आप 100 मान लेते हैं, 100% यहाँ पे, और हमारा टोटल रेट हो गया ये कितना, 39% हो गया, मतलब यही ब्याज का ब्याज हो गया हमारा 39%, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा आपको, 139% हो जाएगा, ठीक है। तो 139% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 139% बराबर हो जाएगा आपको, 834 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको, 834 बटे कितना हो जाएगा आपको, 139 हो जाएगा। तो 100% आपको पी निकालना है, तो कितना होगा आपको, 834 × 139 × 100। चलिए इसको काटते हैं, 13 × 5 = 65 × 78 × 78 है ना, तो 6 बार में ये भी कट जाएगा आपको, तो 600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा करवाया जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि को रखा हो तो ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब पी कितना होगा। तो SI बराबर क्या होगा आपको, PRT / कितना हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा। तो SI पूछा था, P का मान यहाँ पे दिया हुआ 600 इंटू कितना हो गया, 8 इंटू कितना हो गया, 5 / कितना हो गया आपको, 100 हो गया। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, P का मान मतलब ब्याज निकल जाएगा, तो कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो ब्याज ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 8 × 5 = 40, 40 × 6 = 24, 200
चालीस रुपये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 240 ऑप्शन नंबर ए। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 रुपये हो जाती है तो वे निवेशित की धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए रेट आपका कितना दिया हुआ, 8% दिया हुआ है। टाइम कितना दिया आपको, 2.5 साल, मतलब 2 × 4 = 5/2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो टोटल रेट यहाँ से कितना बन जाएगा हमारा, 8 × 5/2, ये कितना हो गया, 2 × 8 कितना हो गया आपका, 5 × 20% हो गया ना। तो टोटल रेट कितना हो गया, 20%, यही हमारा ब्याज हो गया टोटल। तो आप देखिए पी यदि हम 100 लेते हैं 100%, और ब्याज यहाँ से हमको कितना देना है, 20% देना है, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120% बराबर यहाँ से कितना दिया हुआ, अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 300 दिया हुआ है ना, 300, ये हो गया 300। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको, 300/ कितना हो जाएगा आपको, 120 हो जाएगा। और 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको, 300/120 हो गया, गुना कितना हो गया आपको, 100 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं ना, 100 काट दिए यहाँ से, ये हो गया 12 × 2 = 24, 12 × 5 = 60, 250 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता कि कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 रुपये हो जाएंगे, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। तो अब देखिए यहाँ से यदि अर्धवार्षिक हो तो रेट क्या होता है आपको, रेट जो होगा वो आधा होगा, और टाइम क्या होगा आपको, 2 से गुना हो जाएगा। तो रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ, 8% है, तो 8/2 बराबर कितना होगा आपको, 4% रेट हो जाएगा। और टाइम जो हमारा कितना होगा, वो 2T हो जाएगा, है ना, टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। तो आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है पी इंटू 100 + R/100 पर पावर कितना होता है आपको, टाइम, टाइम होता है ना। तो अमाउंट यहाँ से कितना दिया होगा, ये 4576 रुपये, ये कितना हो गया, 4576 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको, 4400 हो गया, 4400। और जो दर हो गया वो हमारा कितना हो गया, 4% हो गया ना, तो 104/100 हो गया। और टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया आपको, 4576/ कितना हो जाएगा आपको, 4400, अब बराबर कितना हो गया, 104/ कितना हो गया आपको, 100 पावर कितना हो गया आपको, 2T हो गया। अब इसको काटते हैं, 11 × 44 हो गया, ये हो गया 11 × 44, 11 × 66, तो ये कटेगा आपको कितना बार में, 4 × 4 = 16, तो ये कितना हो गया, 104/ कितना हो गया, 100, तो पावर यहाँ पे यदि हम 1 दे देते हैं, बराबर कितना हो गया, 104/ कितना हो गया, 100 पावर कितना हो गया आपको, 2T हो गया। तो आपको पता है घातांक करने में क्या होता है, यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, बराबर होता है। तो 2T/1 हो गया, तो टी बराबर कितना हो गया, हाफ ईयर, तो हाफ ईयर का मतलब कितना हो गया, 6 महीना, ऑप्शन दिया हुआ है, 6 महीना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर पर मूलधन 3600 रुपये पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो SI बराबर यहाँ से पूछा कितना होगा, तो SI बराबर क्या होगा, PRT/100 होता है। आप देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है ना, 2 × 4 × कितना आपका मूलधन कितना दिया हुआ, 3675, ये हो गया 3675/ कितना हो गया आपको, 100 हो गया, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से दोनों को गुना कीजिए, कितना हो गया आपको, 8 हो गया, 8 से इसको गुना कर देते हैं, 8% कितना हो गया, 40 हो गया, 8 × 56 = 56, 4 कितना हो गया, 60 हो गया, हासिल हो गया 6, 8 × 6 = 48, 6 कितना हो गया, 54 हो गया, हासिल हो गया 5, 8 × 3 = 24, 5 कितना हो गया, 29/ कितना हो गया आपको, 100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए, कितना हो गया आपको, 294 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1250 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो देखिए 1250 रुपये मूलधन हो गया, 6 वर्ष हो गया, और रेट कितना दिया आपको, 4% दिया, तो कितना हो गया, 4/ आपका 100 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, ये 0 0 काट ही जाएगा, ये हो गया 3 × 6, ये हो गया 5 × 10, ये हो गया कितना, 25 × 5 = 125, कितना हो गया आपको, 25 × 100 मतलब कितना हो गया आपको, 300 रुपये हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए अगर 11वां नंबर क्वेश्चन का था, साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, उसके 8% साधारण ब्याज का वादा किया था, यदि साथी ने बैंक में 5 साल तक पैसा रखता है तो उसका ब्याज कितना होगा, तो SI कितना होगा, तो कितना हो गया, 825
गुणा कितना हो गया 8 गुणा 5 बटा कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 पंचे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, 20 पंचे 100 हो गया, ये हो गया 4 से काटिए, 4 पंचे 20 हो गया, 4 दुनिया 8 हो गया, इसको 5 से काटिए, ये हो गया 5 का 5 3 है ना, 3 बचा 5 6 30 5 25 हो गया, तो कितना हो गया 5 दुनिया 10 16 दुनिया 32 1 33 330 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक्स रुपया पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए निवेशित की गई रुपया कितना आपको वाई रुपया है, तो एक्स अनुपात वाई कितना होगा। इसका मतलब दोनों का जगह जो जो साधारण ब्याज है दोनों के आपको बराबर है, तो पहले का जो मूलधन है वो कितना आपको एक्स रुपया है इनटू कितना साल के लिए 5 साल के लिए, और रेट कितना है आपको 8% है, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट का जो मूलधन है वो कितना आपको वाई रुपया है कितना साल के लिए 6 साल के लिए, रेट कितना आपको इसका 7.5% है, 7.5 बटे कितना हो गया बटे 100 हो गया। अब इसको काट लेते हैं ना, 100 काट दीजिए आप। ठीक है, ये कितना हो गया 8 पंचे 40 एक्स इधर हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको लगभग आपका 6 पंचे 30 हो गया, 6 से 42 3 45 मतलब 45.0 वाई हो गया। अब देखिए यहाँ से काटिए, ये हो गया 8 5 से काट देते हैं, 8 पंचे 40 हो गया, 9 पंचे 45 हो गया, तो 8x बराबर कितना हो गया 9y हो गया, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा आपको 9 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर के क्वेश्चन का था कि यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो 18 माह का ब्याज कितना होगा। अब देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या दिया हुआ है 18 माह का दिया जाता है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है 18 माह का रेट क्या होता है आपको आधा होता है, रेट क्या होता है आधा होता है, और टाइम क्या होता है दुगना होता है, तो रेट तो आपका कितना हो जाएगा रेट जो होगा वो रेट कितना हो जाएगा आपका 20/2 कितना होगा 10% हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10%, और टाइम देखिए कितना था 18 महीना तो 2 से गुना करेंगे कितना हो गया आपको 36 महीना हो गया, तो 36 महीना का मतलब कितना हो गया 3 वर्ष हो गया, तो 3 वर्ष का को हम ब्याज निकालना होगा, तो 10% का यहाँ पे 10% है और 3 वर्ष का ब्याज निकालना है ना, तो इसके लिए देखिए क्या करना है कि एक रेशियो याद रखिएगा ना, 2 वर्ष का जो रेशियो होता है वो कितना होगा 2:1 होता है, और 3 वर्ष का जो रेशियो होता है वो कितना आपको 3:1 होता है। इसको निकालना कैसे है, जो हमारा मूलधन दिया हुआ है उसका रेट हम 10% निकाल लेंगे, 2000 का 10% निकाल लीजिए आप कितना होता है, 2000 का 10% कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे आपको 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर 200 का क्या करेंगे, फिर इसी का हम 10% निकाल लेंगे, 200 का 10% कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 0 काट दीजिए कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। फिर देखिए ये रेशियो कितना बार है 3 बार है, 3 बार निकालेंगे, फिर 20 का 10% निकाल लीजिए, अब 20 का 10% है ना कितना हो जाएगा 0 काट के कितना हो गया आपको 2 हो गया। अब यहाँ से करना क्या है, ये जो रेशियो हमको मिला है 3:1 का, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 1 से गुना कर दीजिए, ये कितना होगा आपको 600, ये कितना होगा आपको 60, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, टोटल ब्याज कितना हो गया 662 हो गया। लेकिन यहाँ सवाल पूछा है 18 महीने के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, तो ये अमाउंट आपको से पूछा गया है, तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा 2000 जो मूलधन है और 662 आपका ब्याज बना है, ये 2200 क्या हो गया आपको 62 हो जाएगा, 2662 है ना, 2662 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन का था, किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 रुपया है तो मूलधन कितना होगा, तो 1 वर्ष 6 महीना, तो 1 वर्ष 6 महीने का मतलब कितना 1+2/12 से गुना करेंगे वर्ष में बदल जाएगा, ये 2×6 = 12 हो गया, ये कितना हो गया 1+1/6 हो गया, 6×1=7 कितना हो गया आपको 6 वर्ष हो गया, कितना हो गया वर्ष हो गया। अब आइए फॉर्मूला पे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, SI बराबर क्या होता है PRT/ कितना होता है आपको 100 होता है ना, SI आपको यहाँ से दिया हुआ कितना 491.68 बराबर पी आपको पूछा गया है ना, मूलधन कितना होगा रेट कितना है 8% है और समय हो गया 7/6/ कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब यहाँ से ये दशमलव को उड़ाएंगे नीचे कितना जाएगा आपको 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए 100 कट गया है ना, अब 8 से इसको काट दीजिए, ये हो गया 8×6=48 8×8 8×32
8 × 6 = 48 हो गया, ठीक है। इस 7 से काटिए इसको, 7 × 8 = 56 हो गया, 7 × 8 = 56, 56 है ना, 56 × 4 = 5, 7 × 7 = 49 हो गया, 7 × 8 = 56, 878 हो गया। अब पी का मान कितना हो गया आपको, 878 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 8 × 6 = 48, हासिल 4 हो गया, 6 × 7 = 42, 4 कितना हो गया, 46, हासिल 4 हो गया, 8 × 6 = 48, 4 कितना हो गया, 52 हो गया, ठीक है। 5268 आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ, ए में दिया हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4140 रुपया है, तो इसी राशि पर 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको मूलधन निकालना होगा यहाँ से, तो साधारण ब्याज से, तो साधारण ब्याज में पहले मूलधन निकालते हैं। एस आई बराबर क्या हो गया, पी आर टी बटे कितना होगा आपको, 100 हो गया। एस आई का मान कितना है, 4100 कितना आपको, 40 है, 4140 है, पी वही रहने देते हैं, आर 12 हो गया, ये हो गया 3 बटे कितना हो गया आपको, 100। अब चलिए इसको काटते हैं, तो ये हो गया आपको, इसको काटते हैं, 12 से कट जाएगा आपको, 12 × 36 हो गया 5 है ना, 5 12 × 48 हो गया, 12 × 48 हो गया, 48 × 12 = 60 हो गया, ठीक है। 8 से काटते हैं इसको, अच्छा 3 वर्ष दिया हुआ ना, 3 से काटते हैं इसको, 3 × 3 हो गया, 3 × 3 = 15 हो गया, तो पी का मान कितना हो गया, 11500 हो गया, पी का मान कितना हो गया, 11500 हो गया। अब यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज का रेट कितना दिया हुआ आपको, 8% दिया हुआ है, और टाइम हमको कितना साल दिया, 2 वर्ष का कर दिया, तो 2 वर्ष के लिए अभी जो आपको रेशियो लिखाए थे कितना लिखाए थे, 2:1 लिखाए थे, तो आप देखिए 11500 का 8% पहले निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये 0 0 काट देंगे दोनों तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको, 8 × 5 = 40, 11 × 8 = 88, 4 कितना हो गया, 92 920 यहाँ पर हो गया, फिर 920 का क्या करेंगे, 8% निकाल लेते हैं, ये हो गया 0, 1 0 0 काट दिए, ये कितना हो गया, 8 × 2 = 16, 9 × 8 = 72, 73.6 हो गया। इसको 200 गुना कर दीजिए, इसको 100 गुना कर दीजिए, ये रेशियो है ना, इसी से गुना किया जाता है, ये 0 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 9 × 2 = 18, 1840 यहाँ पे हो गया, और 73.6 यहाँ पे हो गया, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 3 हो गया, 7 × 4 = 11 हो गया, 8 × 1 = 9 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1913 है ना, 1913.60 रुपया आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो अंतिम क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्ष में 608 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी होगी, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, और आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।